हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और सर्दियां स्टार्ट हो गई है तो मार्केट में बहुत ही अच्छे और फ्रेश पालक आ रहे हैं, तो चलिए इसकी बहुत ही बढ़िया और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए यहाँ मैंने पालक को अच्छे से साफ करके धो लिया है। यहाँ मैंने पालक को 2 से 3 बार धोया है और इसका सारा धूल और डस्ट निकल गया है। और अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई लेंगे, या मैंने कढ़ाई का यूज़ किया, आप किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे पानी को गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो गया है, हम इसमें धुले हुए या साफ़ किए हुए पालक की पत्तियां ऐड करेंगे। और पालक की पत्तियां ऐड करके गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम पालक की पत्तियों को नीचे से ऊपर की तरफ करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे पालक की पत्तियां इक्वली पकेंगी और बिल्कुल भी कोई ज़्यादा या कम नहीं पकेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से पालक का कलर बिल्कुल ही बना रहेगा। और हम इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे। आप ये 2 इंग्रेडिएंट ज़रूर ऐड करें, जिससे पालक का कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चीनी और मीठे सोडे को चम्मच से हम पालक में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 20 से 25 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉईल होने देंगे। 20 से 25 सेकेंड हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ मैंने एक बर्तन में बिल्कुल ही चिल्ड या ठंडे पानी को निकाल लिया है। और अब हम इसमें पालक डालेंगे, जिससे पालक का कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। और पानी यहाँ काफ़ी ठंडा था तो आप देख सकते हैं पालक का कुकिंग प्रोसेस रुक गया है। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में छोड़ देंगे। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें बॉईल किए हुए पालक की पत्तियाँ ऐड करेंगे। और इस तरीके से आप पालक की इस रेसिपी को बनाएंगे तो पालक नहीं खाने वाले भी किलो किलो पालक चुटकियों में खा लेंगे। और पालक हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे उबले हुए पालक को जार में डाल लिया है। और अब हम इसमें धनिया की फ्रेश पत्तियाँ डालेंगे। और अब हम 1 हरी मिर्च डालेंगे, तीखे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम पालक को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे या इसका प्यूरी बना लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको बहुत ही बढ़िया बारीक ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसकी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 प्याज, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 हरी मिर्च और लहसुन अदरक को बिल्कुल ही बारीक महीन काट करके तैयार कर लिया है। और चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच बटर डालेंगे, जिससे पालक का बिटरनेस ख़त्म हो जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया बटरी वाला आएगा। आप चाहे तो सिर्फ इसे तेल में भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता डाल करके इसे अच्छे से ऑयल में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जीरा हमारा अच्छे से क्रैक हो गया है। गैस का फ्लेम कम रखेंगे और अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज डालकर हम इसे भी 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे इसका कलर सुनहरा हो जाएगा। और अब हम इसमें कटे हुए 1 चम्मच अदरक डालेंगे, कटा हुआ 1 चम्मच लहसुन डालेंगे, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और कटा हुआ 1 हरी मिर्च डालेंगे। और इन सभी को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए 20 से 25 सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं नमक डालने से प्याज हमारे जल्दी सॉफ्ट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं प्याज, अदरक, लहसुन सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से भुन गए हैं। और अब हम इसमें कटे हुए बारीक 1 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर डालकर हम इसे फिर से हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर
और तीखे के लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मसाले डालकर हम इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और मसाले हमारे बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। और आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। और इस टाइम पर हम इसमें ग्राइंड किए हुए पालक का पेस्ट डालेंगे। पालक का पेस्ट डालकर हम मसालों के साथ अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम इस टाइम पे हाई रखेंगे, जिससे पालक का पानी जल्दी सूखेगा और इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और जार में हम थोड़ा सा पानी डाल करके जार में लगे हुए सारे पेस्ट को अच्छे से पालक में ऐड करेंगे। और अब हम इसमें इस टाइम में 1 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं का आटा डालकर हम इसे भी पालक के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। गेहूं के आटा डालने से आपका पालक पनीर बहुत ही बढ़िया थिक बनेगा। और अब हम इसे कंटिन्यू इस तरीके से चलाते हुए 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे पालक बहुत ही अच्छे से पक जाएगा और इसका बिटरनेस भी ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं पालक को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। और अब हम इस स्टेज पे इसमें पनीर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 150 ग्राम पनीर इसमें ऐड किया है। और पनीर डालकर हम इसे पालक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं पालक पनीर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और पालक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। हम इसे 5 मिनट के लिए, यहाँ मैंने इसे पकने छोड़ दिया था, और आप देख सकते हैं पालक पनीर हमारा बिल्कुल बढ़िया से पक के तैयार हो गया है। हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 चुटकी गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट जैसा इसका फ्लेवर चाहते हैं तो इसमें गरम मसाला ज़रूर ऐड करें। और गरम मसाला डालकर हम इसे 20 से 25 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे फिर से पका लेंगे। और आप देख सकते हैं पालक पनीर हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार हो गया है। इस टाइम पे अब हम इसमें लास्ट में घर का बिल्कुल फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। यहाँ मैंने घर का मलाई यूज़ किया। आप चाहे तो मार्केट वाला भी मलाई का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मलाई डालकर यहाँ मैंने पालक पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये काफ़ी रिच हमारा पालक पनीर दिख रहा है। और अब हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइली प्लेट में सर्व करेंगे। और यहाँ मैंने इसके ऊपर से और ढेर सारा घर का फ्रेश मलाई सर्व की हूँ। और आप देख सकते हैं पालक पनीर हमारा बिल्कुल ही बढ़िया बाजार जैसा बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से झटपट से पालक पनीर घर पे बनाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।